हरियाणा में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने जहां गर्मी से निजात दिलाई, तो वहीं इस बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा किसानों को, क्योंकि झमाझम हुई बारिश ने जहां सुकून के पल दिए, तो इसी बारिश ने किसानों के लिए आफत खड़ी कर दी। क्योंकि किसानों की धान की फसल जो खेतों में इस वक्त पककर तैयार खड़ी है, उसे बरसात की मार झेलनी पड़ रही है। इस बरसात ने किसानों को किस तरह डराया हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। बरसात इतनी ज्यादा है कि जीरी हमारी डूब गई है। बरसात में जीरी डूबने के कारण जीरी का नुकसान बहुत ज्यादा है, पकी हुई फसल है, और अगर ऐसे ही बरसात दोबारा हो आ गई तो बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं पाया जाएगा जीरी में। तो पकी हुई फसल है, जैसे कि कहते हैं कि मुंह में रोटी छूट जाए तो वही फसल है, उसी तरह इसके ऊपर बहुत आस और मुराद होती है कि हमारे पास फसल आएगी, पकेगी और हमारा सर्कल चलेगा। हमारे कई काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे फसल के ऊपर हमने करने होते हैं कि फसल कटेगी तो हम ये काम फसल कटने के बाद करेंगे, किसी का देना है किसी का लेना है, इस करके बहुत ज्यादा चिंता है हमारे को इस बात की कि बरसात हो जाए तो नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। बारिश से सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, बल्कि इससे हुए जल भराव के कारण कुरुक्षेत्र के नागरिकों को भी खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि दुकानदार का क्या कहना है। हमारी सी बारिश होती है, नाला उसी टाइम बंद है और सफाई कर्मचारी देखने भी नहीं आते। हम तो ये सरकार से ये कहेंगे, मंत्री जी से कहेंगे भी हमारी हम सब्जी पुरानी सब्जी मंडी का समाधान कर दें। हम तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही बहुत पानी आ जाता है यहाँ, और पानी आने के कारण हमारी सारे दिन की ही दुकानदारी खत्म है। जिस दिन बारिश होगी उस दिन समझ लॉस में कंपनी अपनी, तो बिल्कुल ग्राहक कहाँ आएगा भाजी, ग्राहक कौन है, पानी में कौन बढ़ेगा। आजकल किसी ने लोड तो पानी बढ़ने की नहीं, अगर किसी ने पानी में थोड़ी आएगा सब्जी लेने आएगा तो बंदा सूखे में आएगा, गीले में कौन आएगा, इतना पानी खड़ा हो जाता है, बहुत परेशानी और बहुत दिक्कत है सर जी। गोड्डे पानी खड़ा हो जाता है, अभी देख लो अभी चार बूंदा पड़ी और कितना पानी खड़ा हो गया, इतना पानी हो गया। खबरें अभी तक डिजिटल के लिए कुरुक्षेत्र से संवाददाता विक्रम सिंह की रिपोर्ट।